आप सभी लोग को पीयू किचन में स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं सभी आप लोग के साथ शेयर करने टूटी फूटी कि केकों में और मिठाइयों में आप लोग सर्व कर खा सकते हैं। इसका जो बनाने का ट्रिक है बहुत आसान है, जो मार्केट में टूटी फूटी मिलती है ना वही टूटी फूटी हम घर पर तैयार करेंगे बहुत आसानी से। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो पूरे देखिए और अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। तो आप लोग भी घर पे टूटी फूटी बनाइए और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करने के लिए बोलिएगा मत। तो देखिए जो बनाने का इसका ट्रिक है बहुत आसान है, आप लोग घर पर टूटी फूटी बना सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बनाने के लिए चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं सबसे पहले एकदम ताज़े हुए और कच्चे यहाँ पर चाहिए टूटी फूटी बनाने के लिए पपीता। तो देखिए हम पपीता से भी बना सकते हैं और तरबूज के छिलका से भी बना सकते हैं। तो तरबूज का छिलका से बनाने में, तो अगर आपको तरबूज के छिलका से बनाना है तो आप एक ही हफ्ते तक आपको रखना पड़ेगा, नहीं एक हफ्ते के बाद वो ख़राब हो जाएगा। उसमें क्या है कि ज़्यादा पानी भरा हुआ रहता है। तो देखिए हमने दो भाग में कटिंग कर दिया इसको अच्छे से, जो इसका बीज हमने अलग निकाल देंगे और इसका छिलका भी हम निकालना है। देखिए इसका हमने बीज निकाल कर, तो चलिए यहाँ पर हम पीलर से जो इसका छिलका अब हम निकाल लेंगे। तो इसका छिलका जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा, पीलर से आप नाइस के भी मदद से छील सकते हैं। आप पपीता एकदम ऐसा ही चाहिए, आपको एकदम कच्चा पपीता चुनना है। अगर पेड़ पर आपके घर है तो और अच्छा है, मार्केट में तो आपको पका पपीता नहीं लेने का है। तो देखिए यहाँ पर हमने पतले भाग में हमने कटिंग यहाँ पर अच्छे से कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको अब साफ करने का है, तो साफ करने के लिए आप नाइस के मदद से आप यहाँ से अच्छे से साफ कर लेने का है सभी पपीतों को। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमने सभी पपीतों को साफ कर लिया है। तो चलिए पतले भाग में छोटे छोटे हमें यहाँ पर टुकड़े करते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं करना है। जैसे मार्केट में टूटी फूटी मिलती है ना सेम वैसे ही आप लोग देखते होंगे, तो आप लोग को खुद ना पता चल रहा होगा कि हमें यहाँ पर कितना छोटा छोटा टुकड़ा चाहिए। तो आप लोग देखिए हम जितने छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़ा कर रहे हैं उतना ही टुकड़ा। तो आपने इस सीज़न में बनाइए और 6 महीने के लिए स्टोर कर रख दीजिए। 6 महीने में आपको बिगड़ेगा नहीं ये, क्योंकि आप पपीते से बना रहे हैं, पपीते में बिल्कुल पानी नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अच्छे से नाइस की मदद से कटिंग कर, तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर अच्छे से यहाँ पर धो लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने गैस पर पानी रख दिए थे उबाल आने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पानी में जो अच्छे से उबाल आ रहा है। तो हम वो पानी में जो है जो हम कटिंग किए हैं पपीता को यहाँ पर ऐड करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, एकदम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर हमें हाई पर नहीं रखने। तो आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगेगा अच्छे से यहाँ पर उबलने के लिए। तो आप यहाँ पर गैस का फ्लेम एकदम स्लो ही करके उबालिएगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर इसको कवर कर देते हैं ढक्कन से। तो इस तरीके से हम कवर कर दिए हैं, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा जो है उबाल आने लगा है। तो अभी हमारा जो है अभी 10 मिनट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट हो गया है अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गया। आपको यहाँ पर चेक कर लेने का है कि हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए हमारी जो है टूटी फूटी अच्छे से पक गई है। तो अब इसको हम एक दूसरे स्टेनर में इसको हम छान लेते, इसका पानी अलग हम कर लेंगे। तो घर में बनाने का तरीका यही है, एक फ़ायदा कि आप जितना चाहिए उतना बना लीजिए और काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर आप रख सकते। तो चलिए यहाँ पे एक ट्रिक और हम आपको बताते हैं कि टूटी फूटी मीठ कैसे लगती है। तो इसकी चाशनी अब हम यहाँ पर बनाएँगे। तो देखिए चाशनी बनाने के लिए हमारा 400 ग्राम चीनी हमने यहाँ पर ले लिए हैं और आधा जिस कप से चीनी लिए उसी कप से जो है हमने पानी भी ले लिया। यहाँ पर हमें चाशनी उसनी कोई नहीं बनानी है एक तार की, बस हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी चीनी है जो अच्छे से घुल गई है, तो जो पपीता हम ऑयल कर रखे हैं यहाँ पर चाशनी में डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पकाएँगे, एकदम लो मीडियम फ्लेम पर, हाई नहीं रखने का है, गैस का एकदम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे कि अच्छे से जो है पपीते के अंदर हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए। तो अब चलिए यहाँ पर हमने कवर कर देते हैं। तो देखिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट हो गया है, हमारा जो पपीता का कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं अभी ये नई चीनी जो हुई है इसके तरह से हमें अभी 10 से 15 मिनट लगेगा यहाँ पर पकाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं बता रही हूँ कि अगर है आपके पास केवड़ा एसेंस या वेनेला एसेंस तो आप यहाँ पर एक बूंद सिर्फ आपको डालना है, यहाँ पर ज़्यादा आधा चम्मच और एक पिंज नहीं डालना, सिर्फ एक बूंद डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं कड़वा लगेगा। तो हमने यहाँ पर एक बूंद जो है डाल दिए हैं, तो देखिए इसी तरह हम ढकेंगे नहीं यहाँ पर, अब उघाड़े ही पकाना है कि अच्छे से, तो यहाँ पर ढकना नहीं है, बिना ढके हुए पकाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 10 से 15 मिनट हो गया और रेडी है, तैयार है। अगर कलर नहीं में रहेंगे आप खाने के लिए तो देखिए आपको यहाँ पर जितना कलर बनाना है उतने या प्लेट या खोरिया आप यहाँ पर डिश ले सकते हैं कलर मिक्स करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम 3 प्लेट में यहाँ पर निकाल दिए हैं कलर के लिए, और एक भाग हमने बचा लिए हैं कढ़ाई में ही, यहाँ पर थोड़ा सा हम डाल रहे हैं येलो कलर का बनाएंगे हल्दी। तो हमारा जो है देखिए एक कलर तो हमारा हल्दी से बन गया है येलो कलर का, एकदम नेचुरल जो है, खाने के लिए इतना टेस्टी भी है। तो आपके पास अगर नहीं कलर है तो आप हल्दी से भी येलो कलर का आप एकदम नेचुरल कलर बना सकते। तो अब हमारा जो है एक कलर बन गया है, तो देखिए अब दूसरा कलर में हम ले रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर, तो हम कलर यहाँ पर ले रहे हैं जो कलर मिलता है, तो वही कलर अगर आपके पास नेचुरल कलर नहीं है तो आप ऐसे भी कलर घर पर जो पाउडर मिलता है कलर का खाने वाला वो आप यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ऑरेंज कलर यहाँ पर बन गया है। तो चलिए यहाँ पर हम तीसरा कलर के लिए लेंगे ग्रीन कलर। तो देखिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर ले लिए हैं, तो बनाने का कितना आसान है। तो आप मिक्स करते समय आपको एक बात का ध्यान देने का है कि थोड़ा जो कलर है वो आपको पानी में एक दो बूंद पानी के साथ ही यहाँ पर मिक्स करना है, आप ऐसे सूखे मिक्स मत करिए। तो चलिए हम चौथा कलर अब बनाते हैं यहाँ पर थोड़ा रेड कलर का। तो देखिए रेड कलर के भी हमने ले लिए हैं यहाँ पर, तो रेड कलर भी हमारा बनकर तैयार है। अभी कलर यहाँ पर चढ़ा नहीं है, अगर ओवरनाइट तक आप रख देंगे तो कलर जो है अच्छे से चढ़ जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो आपने इसको कलर को मिले करने के बाद अगर फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट तक तो ये डार्क जो कलर एकदम चटक हो जाएगा। तो हमारे देखिए बनाने का ट्रिक कितना आसान है, मार्केट की टूटी फूटी जो घर पर बनकर तैयार है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए घर पर, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, ज़रूर कर देना आप लोग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।